हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। और ये बहुत ही सिंपल और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, सिरके वाली प्याज की रेसिपी। तो आप लोग जानते ही हैं कि सिरके वाली प्याज, जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो सबसे पहले आपको सिरके वाली प्याज, जो ये पिंक पिंक कलर की बेबी ऑनियन होती है, ये सर्व की जाती हैं। और आप इसे चटकारे ले लेके खाते हैं और पसंद आती है तो इसे बार बार मंगाते हैं। तो फ्रेंड्स, घर पे भी आप इस रेस्टोरेंट स्टाइल वाली प्याज का मज़ा लेना चाहते हैं और घर के खाने को भी इसी तरह फील करना चाहते हैं, तो बस 2 मिनट में आप बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल है और आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ मैं, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे काफ़ी टाइम पहले, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं प्रियांश मणि, उन्होंने मुझे कहा था कि मैम प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, तो मैं उस टाइम नहीं बना पाई थी, बट अभी मैं आपके लिए वीडियो बना दे रही हूँ और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमें सिरके वाली प्याज के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमें चाहिए बेबी अनियंस छोटी वाली, आप बड़ी भी ले सकते हैं। अगर बेबी अनियंस नहीं है आपके पास तो आप बड़ी वाली को ही 4 भाग कर लें, मोटे मोटे टुकड़े कर लें। अगर आपके पास बेबी अनियंस मिल जाता है तो इस तरीके से इनको ऊपर और नीचे से छील लें, इनके जो सिर और पैर हैं वो हटा दें काट के, और इनको छील के इस तरीके से धो लें। और धोने के बाद में आप में इसमें 4 कट लगा लें, 2 कट लगाने देने हैं चौकोर में, तो अभी मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ। तो इस तरीके से बेबी अनियंस ले लेने हैं आपको, साथ ही साथ में आपको लेना है यहाँ पे चुकंदर। तो चुकंदर को भी हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे छील करके धो करके। तो फ्रेंड्स, चुकंदर से ही जो बेबी पिंक कलर का कलर आता है वो इसी से आता है इन प्याज में, और ये देखने में और भी आकर्षक हो जाते हैं। तो ये चुकंदर ले लेना हमें, और चुकंदर का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस सलाद में। साथ ही साथ हमें लेना है नमक, और नमक के साथ ही लेना है हमें ये वाइट विनेगर, और ये वाइट विनेगर हमें लेना है लगभग 1 कटोरी, छोटी कटोरी से 1 कटोरी, क्योंकि मैं ये लगभग मेरे थोड़े से ही प्याज हैं तो मैं इसके हिसाब से छोटी कटोरी से ले रही हूँ। और साथ ही साथ लेना है हमें 1 कटोरी गर्म पानी, गर्म करके इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है हमें। साथ ही साथ हमें चाहिए ये जार, इस तरीके का आप कोई भी कंटेनर जार ले सकते हैं, कांच की बॉटल होनी चाहिए, उसे अच्छे से धो लें और अच्छे से धूप में सुखा लें, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। तो इस तरीके का जार चाहिए हमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जार में अपना विनेगर डाल लेंगे, जो हमने 1 कटोरी विनेगर लिया है वो विनेगर डाल देंगे, और साथ ही साथ उतना ही हम पानी डाल देंगे इसमें, जितना हमारा विनेगर था उतना ही हम गर्म पानी डाल देंगे। तो मैं ये सिर्फ लगभग 1 पाव प्याज है तो इसमें मैं छोटी कटोरी से 1 कटोरी विनेगर ले रही हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक लगभग 1 चम्मच और आधा चम्मच, 1.5 चम्मच नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक प्याज के अंदर तक एब्जॉर्ब होंगे। तो अच्छे से नमक को डाल के हमें इस पानी में घोल देना है, और देखिए हमारा पानी एकदम तैयार है। तो इसी पानी में हमें अब प्याज को डालना है, तो प्याज को ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था इसे कैसे काटना है, तो देखिए इस तरीके से प्याज को लेना है, और इसके ऊपर से जहाँ से इसकी पूंछ होती है, सिर की तरफ से नहीं, पूंछ की तरफ से हमें इस पर इस तरीके से क्रॉस करके चीरा लगाना है। तो बस आपको ऐसा चीरा लगाना है कि ये पूरी प्याज कट ना जाए, सिर की तरफ इसके ना पहुँचे, बस बीच तक ही जाए इसका, ताकि सारी जो इसका पानी है विनेगर वाला ये अब्सॉर्ब कर सके। तो इस तरीके से आप करना है, पूरी तरीके से नहीं काट देना है कि आपकी प्याज अलग अलग हो जाए। तो अगर आप बड़ी प्याज लेते हैं तो उसको पहले 4 पीसेस में करके फिर उसमें छोटे कट्स लगा लें, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे प्याज में कट लगा ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अब हमें ये सिरके वाला पानी ले लेना है, जो हमने अभी बना के रखा था नमक सिरके वाला पानी, इसी पानी में हमें अपनी सारी प्याज को डालना है। तो चलिए पहले चुकंदर को डाल देते हैं, तो चुकंदर से इसमें कलर आएगा अच्छा सा, और चुकंदर के अंदर भी सिरके का फ्लेवर जाएगा, तो वो भी एक सैलेड की तरह खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो साथ ही साथ इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं, आप जिस चीज़ का सैलेड बनाना चाहें। एक तरीके से पिकल बनता है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग अचार वाला, हम लोग एक तरह पिकल नहीं खाते, उनके पिकल ऐसे ही होते हैं सिरके में डूबे हुए। चाहे आप इसमें ककुम्बर डाल सकते हैं, चाहे आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जिस चीज़ का आप अचार बनाना चाहें। तो इस तरीके से हमने देखे जो चुकंदर डाल दिए हैं, उसके बाद में हम इसमें प्याज डाल रहे हैं, और प्याज डालने के बाद ऊपर से हम थोड़े चुकंदर और डालेंगे, ताकि इसके ऊपर भी चुकंदर हो और नीचे भी हो, ताकि अच्छे से कलर आए। और यहाँ पे देखिए जो मेरा जार है वो लगभग भर चुका है,
तो थोड़ा सा पानी जो इसका अलग करके मैंने एक बाउल में रख लिया था ताकि इसको हम ऊपर से डाल सके, जैसे हम अचार में तेल ऊपर से भरते ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो, डूबा हुआ रहे, उसी तरीके से सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है। तो पहले मैं इसके ऊपर चुकंदर रख दे रही हूँ और उसके बाद जो भी पानी आप साइड में देख सकते हैं बाउल में, वो पानी हम इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये पूरा जो हमारा सैलड है वो एकदम पानी में डूबा रहे, तो जिससे ये ख़राब नहीं होगा। और बस इस तरीके से हमें करके और इसका लिड लगा के और हमें इसको 24 घंटे के लिए रख देना है। आप किसी भी जगह पे, ठंडी गर्म किसी भी जगह पे रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, धूप वगैरह में नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस 24 घंटे आपको इसको रखना है। 24 घंटे में इसमें सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे और ये आपकी पिकल तैयार हो जाएगी खाने के लिए। बहुत ही है ना सिंपल और इजी रेसिपी, 2 मिनट में तैयार होती है और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको, रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी, खाना खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करना तो बनता है और शेयर भी कर दीजिए फैमिली और फ्रेंड में, ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। और इस तरीके से लेड लगा दें और इसको रख दें और इसको एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, जल्दी ही अच्छी सी वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।